पैरेलल एलसीआर सर्किट के अंदर सबसे पहले आर, एल और सी किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो एसी की सप्लाई है, ये देखनी होती है डीसी या एसी है, बताऊंगा क्यों देखना होता है, पर अभी हम एसी कर रहे हैं तो एसी की सप्लाई है। तो इसमें जो आई करंट आएगा वो कुछ करंट इसमें जाएगा आई ऑफ आर, आई ऑफ एल, आई ऑफ सी, तो टोटल करंट क्या होगा? तीनों का सम होगा। अब अगर करंट की रिप्रेजेंटेशन करें तो रेजिस्टर के अंदर करंट क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी तो करंट तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, आई नॉट की जगह वी नॉट बाई आर। लेकिन जो इंडक्टर में करंट होता है वो पीछे होता है बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, और आई नॉट की जगह वी नॉट बाई एक्सएल, और कैपेसिटर में करंट आगे होता है बाय एंगल ऑफ पाई बाय टू, तो क्या होगा? वी नॉट बाई एक्स सी। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो माइनस कॉस ओमेगा टी, इसे सॉल्व करें प्लस कॉस ओमेगा टी। ये थ्योरी आपने याद नहीं करनी, इस पर लिख लें नॉट फॉर एनसीईआरटी और लिख लें ये थ्योरी हमने नहीं करनी, इसका एंड का फॉर्मूला करेंगे सिर्फ। तो यहां से कॉमन निकाल के आपके पास ये टर्म आएगी। इस टर्म को अगर हम मॉडिफाई करें, जैसे इस टर्म को मैं रिप्लेस करता हूं विद आई नॉट साइन फाई लेट अस सपोज, और इस टर्म को रिप्लेस करता हूं बाय आई नॉट कॉस फाई, तो मेरे पास ये जो टर्म है इक्वेशन में वन एंड टू, इसमें आई नॉट साइन फाई, आई नॉट कॉस फाई, तो ये टर्म बनेगी। मैथ्स अगर लगाएंगे तो आंसर आएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा। तो करंट जो है वो कॉस में चलेगा ओमेगा टी माइनस फाई। आपने नहीं करना। अब आपने करना क्या है फिर इसके अंदर? पहली चीज जो आपने करनी है वो करनी है, अगर आप इसे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन। और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये जेड का फॉर्मूला आएगा। तो आप प्लीज फॉर्मूला लिखें, फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस, तो लिखें वन बाय जेड स्क्वायर, वन बाय आर स्क्वायर, प्लस वन बाय एक्स सी, माइनस वन बाय एक्स एल का होल स्क्वायर। तो प्लीज इस फॉर्मूले को नोट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला जो बुकलेट है उसमें नोट करें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एल सी आर इन पैरेलल हेडिंग डालें, एनसीआर इन एलसीआर इन पैरेलल में ये फॉर्मूला जेड का यूज करें। थ्योरी ना करें, नहीं चाहिए आपको थ्योरी, वो तो एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने कि कैसे प्रूव किया हमने, पर चाहिए नहीं आपको। तो आप वन बाय जेड का ये फॉर्मूला करें, तो सीरीज का अलग फॉर्मूला इंपीडेंस का और पैरेलल का अलग फॉर्मूला इंपीडेंस का, ये पहली। और ये भी याद रहे ये जेड का स्क्वायर है, आपको ऑब्जेक्टिव में जेड पूछेगा तो अंडर रूट भी लेना होगा एंड में। एनसीईआरटी में नहीं है फॉर्मूला, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में काम आएगा बस। ठीक है, पहला फॉर्मूला ठीक है यहां तक? तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्लियर है, और न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हुए एक्स सी की जगह वन बाय सी ओमेगा और एक्स एल की जगह पुट करेंगे एल ओमेगा, वो तो न्यूमेरिकल में कर लेंगे, फिलहाल यही याद कर लो बस, पहला फॉर्मूला। दूसरा, इसके अंदर अगर वो पूछे टेन फाई की वैल्यू, टेन फाई, तो लिखें जैसे इंपीडेंस ट्राइंगल था ना, इंपीडेंस ट्राइंगल में हमने क्या किया था, इंपीडेंस ट्राइंगल में करते थे टेन ऑफ फाई एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर, इसमें करते हैं टेन फाई का फॉर्मूला वन बाय एक्स सी, वन बाय एक्स एल, वन बाय आर, इसे नोट करें प्लीज, ये नोट करें बस, टेन फाई का ये फॉर्मूला नोट है। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला नोट किया एलसीआर इन पैरेलल में, और टेन फाई का फॉर्मूला भी नोट करें।